Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope I'm just being loud enough क्योंकि मैंने लगा रखा है तो मुझे पता नहीं चल रहा. Anyways, it's another day and आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी. So I think I'm gonna be vlogging the whole day. और मेरा बैंक अकाउंट अभी तक ओपन हुआ नहीं है. श्वारका सर ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया 2nd of April की. That's like 20 something days. And आज भी शायद स्ट्राइक है वैसे, तो देखते हैं अगर स्ट्राइक होगी तो मुझे शायद लेट हो जाएगा पहुँचने में. ऑल्सो आई एम लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई माई सेल्फ टूडे. सो आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, आई पैक द सैंडविच फॉर माई सेल्फ फॉर द यूनिवर्सिटी, आई एम ऑल्सो टेकिंग एन एप्पल और मैं खीर भी लेके जा रही हूँ जो खीर मुझे लास्ट ब्लॉग में मिली थी. भाई यार स्ट्राइक के चक्कर में दिमाग खराब कर देते हैं. आई हैव टू गो सम अदर वे नाउ एंड आई डोंट नो व्हाट वे इज इट. I'll have to check यार. So इसके बाद मैं डायरेक्टली एसपान से बाहर आई एंड आई चेक द रूट एंड देयर वर बसेस गोइंग ऑन. सो आई टुक 3 buses एंड दिस इज पॉट्सडैम. पॉट्सडैम बहुत सुंदर है यार, यहाँ के हाउसेज इतने सुंदर हैं एंड द होल पॉट्सडैम इज जस्ट वाओ. सो दिस इज लाइक द एरिया जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है. ऐसे ही पीछे लाइक जो ये बिल्डिंग है इसके पीछे की तरफ है और बिल्डिंग्स. It's like a 5 minutes walk from the tram area or like the bus area. तो अभी 5 मिनट चलेंगे और फिर यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे और वहाँ जाके होंगे कॉफ़ी बिकॉज आई फील सो स्लीपी ऑलरेडी. Having apple for now. सो अब मेरा है 1 hour का ब्रेक बीच में और मेरे को नमिष्ठ का मैसेज आया है कि ना कुछ खुशखबरी है एंड दैट विल गिव यू ऑन द वीडियो कॉल. तो मैं उसको वीडियो कॉल करने लगी हूँ, देखते हैं क्या बताता है, देखते हैं क्या खुशखबरी देने वाला है. देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर उपासना एंड फॉर ऑल द दिल्ली वासी. पंजाबी बाग का फ्लाई ओवर खुल गया है. कंट्रोल कंट्रोल बोल रहे पंजाबी बाग का फ्लाईओवर खुल गया. ओह माय गॉड. उपासना ने कहा था कि आज तो मैं कल भंडारा करवाऊंगा. चल वापस आजा फटाफट देखने आजा. अब मैं फटाफट सैंडविच खाऊंगी. देर से मैं वेट कर रही थी पता नहीं क्या क्या बोलेगा. पाव लाओ बस इसका भी करेंगे. So this is my breakfast. This is the key that I got. मुझे लगा था इसे गर्म करने की पड़ेगी बट ये ऑलरेडी बैग में पड़े पड़े नॉर्मल हो चुकी है. आई थिंक आई एम जस्ट गोना ईट इट लाइक दिस. सो हम आ चुके हैं हाउट पानहॉफ पॉट्सडैम और ये है मेरे कुछ दोस्त. हाय करो, से हाय टू माय व्लॉग. हाय से हाय. अभी थोड़े सबके सब थोड़े ऑकवर्ड हो गए. आई एम जस्ट टेलिंग देम जस्ट बी कैजुअल बट ठीक है कोई बात नहीं. फर्स्ट टाइम है. नेक्स्ट वीक और तो मैं अच्छे से लूंगी व्लॉग में. हाउ प्रिटी. तो गाइस मैं आज फर्स्ट टाइम अपने घर के पास वाले ऊ बांध से आई हूँ. और मेरे को पता भी नहीं था कि 10 मिनट की दूरी पर इतना ब्यूटीफुल ये सारा एरिया भी बहुत सुंदर है एक्चुअली. लाइक मैं इसके नॉर्मली जो वो दिख रहा है राट हाउस है शायद वो उसके उस तरफ होती है और मैं इस तरफ हूँ एंड इट्स एक्चुअली गुड. बट लाइक यू कैन सी आई एम वेरी मच टायर्ड. आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई पोस्ट दिस व्लॉग. मे बी आई लाइक कम्बाइंड 2 vlogs टुगेदर क्योंकि आज मैंने कुछ करा नहीं यार. यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते ही हैं, इतना कुछ ज़्यादा हम लोग करते हैं इंडिया में, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई वहाँ पर. इट्स बिन सो लॉन्ग बट ये व्यूज़ ना अभी तक ऐसे अमेज कर देते हैं मुझे. मुझे यहाँ पे आए हुए टाइम हो गया है अब तो खैर, बट स्टिल आई गेट सो अमेज्ड बाय द व्यूज़. तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं 9 बजे से मेरा लेक्चर था तो मतलब आई वेंट लाइक मैं 7:30 बजे निकल गई थी घर से और 9 बजे मेरी क्लास थी. सो 9 to 12 एंड देन 1 to 4. सो इट्स लाइक इतने सारे घंटे मैं यूनिवर्सिटी में थी एंड देन आई एम जस्ट टू एग्जॉस्टेड एज ऑफ नाउ. बट मैंने कल वो बनाई थी दाल, येलो दाल एंड टुडे आई थिंक आई एम जस्ट गोना हैव राइस विद इट क्योंकि कल मैंने बनाए थे फुलके उसके साथ. तो और जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ व्हीट फ्लोर
दैट इज़ नॉट सो गुड, थोड़ा वो भारी है और ब्राउनिश सा भी है। तो बस एक बार वो ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी इंडियन स्टोर टू गेट सम लाइक कोई इंडिया वाला आटा, वो ऑब्वियसली बेटर होगा। तो मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं ध्यान रहूँगी, मैं तेज़ ही बोलूँगी घर आकर भी, वरना मैं पहले वाले ब्लॉग्स में ऐसे हो रहा था कि मैं घर पे भी आई यूज़ टू लाइक माई वॉल्यूम यूज़ टू बी सो लो, बट नाउ ऑन आई बी जोर से बात करेंगे हम बाहर वाले लोग, कोई बात नहीं होता रहे परेशान। आई डोंट नो लाइक आई हैव दिस हैबिट ऑफ स्टेइंग वेरी लो एट द हाउस, तभी मुझे ऐसा भी होता है कि घर में रहकर ना आई फील वेरी लो एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट, बट नो फॉर द व्लॉग्स आई विल मेक श्योर दैट माई वॉल्यूम इज लाउड एंड क्लियर। एंड मैं देख रही हूँ कि न्यू पीपल आर कमिंग अलॉन्ग टू द चैनल और मैं भाई स्टार्ट्स देख रही हूँ कि पीपल आर नॉट फॉलोइंग, लाइक जो इतने सारे व्यूज हैं उसमें सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने करा हुआ है, तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करो, प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन यू नो यू जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हेन आई एम पोस्टिंग, सो यस प्लीज डू दैट फर्स्ट। द नेक्स्ट डे, हेलो गाइस, इट्स अनदर डे। एक्चुअली कल मैं आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज, शुड आई लाइक डू अ सिट डाउन वीडियो और शुड आई जस्ट गो आउट एंड देन टेल यू अबाउट 10 डेज एक्सपीरियंस है और लाइक 1 वीक एक्सपीरियंस। तो मुझे ऑलरेडी वैसे 10 डेज से ऊपर हो चुका है और जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो और डेज हो जाएंगे, सो आई जस्ट शेयर दैट ओनली टूडे। सो दिस व्लॉग इज गोना एंड विद दैट नोट। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, आज है ट्यूजडे, टुडे इज 12th or 13th, आई थिंक 13th मार्च है आज। सो मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, लेट्स जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स। सो मतलब मुझे कितना 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हाउ हैज़ माई एक्सपीरियंस बिन हेयर। तो लेट्स टॉक अबाउट पीपल फर्स्ट। तो जब मैं 2016 में व्हेन आई वॉज लर्निंग जर्मन, तो मुझे मेरी मैम बताई थी कि ना यू नो इन सम प्लेसेस जर्मन्स आर वेरी रूड, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये वो तो वन थिंग दैट आई अग्री इज देयर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यस लाइक दे आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई थिंक दैट्स नाइस। सो यहाँ पे बर्लिन में तो लाइक पीपल फ्रॉम वेरियस पता नहीं कितनी कितनी कंट्रीज से लोग आ चुके हैं यहाँ पे, लाइक रहते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे पीपल आर रियली नाइस, जर्मन्स आर रियली नाइस। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज कि वहाँ पे रूड होते हैं कैसे होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट दैट इज़ एक्चुअली गुड बट दे नाइस। इनफैक्ट मतलब मेरा ही जो फ्लैटमेट जर्मन है ही इज़ रियली गुड, बहुत बहुत हेल्पफुल, बहुत बहुत नाइस। सो यस अब नेक्स्ट पॉइंट, एक तो मेरा ना हाथ दुख जाता है हाथ ऊपर करे करे क्योंकि बैक टांग रखा होता है, इसलिए ये घर देखो कितना प्यारा है, ये मेरी 7 साली गली में है, अच्छा है ना सुंदर। इतनी देर व्यू एंजॉय करो जितनी देर में पहुँच रही हूँ, सो इट विल कम इन 4 मिनट्स। गाइस कल आई वेंट फ्रॉम द बस एंड आज मैं ट्रेन से जा रही हूँ क्योंकि कल स्ट्राइक थी एंड आज थैंकफुली नहीं है। तो मैं अपनी 2 ट्रेन चेंज करके आ चुकी हूँ, नाउ आई हैव टू टेक अ ट्राम फ्रॉम हेयर। आई डोंट थिंक दिस वन इट इज़, नो दिस इज़ 92, मेरे को 96 लेनी है यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए। सो आई एम वेटिंग फॉर द ट्राम एंड इट विल टेक लाइक 5 minutes and let's talk about the other point, it was bringing your forex card or cash। मतलब मुझे अभी तक यहाँ पर 10 days में like I have only brought cash, forex card तो मैं नहीं, but I have my own cards जो कि international है, but I haven't used them yet because cash से मेरा काम चल रहा है। But like there are still places, अगर तुम card लेके आ रहे हो और cash कम लेके आ रहे हो तो there are still some places, some cafes, some bars जहाँ पे they don't accept cards, so you have to have cash here at all times। And if we talk about the language, तो so like with language I don't think you'll have a problem in Berlin because मतलब मुझे भी अभी तक ऐसा कुछ इशू, मतलब मेरे को तो खैर जर्मन आती है तो मेरे को इशू वैसे भी होना नहीं था। If you don't know German यहाँ पे आई डोंट थिंक यूल फेस एनी इशू बिकॉज यहाँ पे सबको मोस्टली इंग्लिश आती है बिकॉज यहाँ पे हर जगह से तो फर्क है, सो एवरीबडी नोज इंग्लिश है। ये वाला रूट ना बेस्ट लगता है जिससे मैं आ रही हूँ, टाइम पे पहुँच भी जाती हूँ इससे। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज में दिक्कत देखो नहीं आएगी, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो तो आनी चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, एंड जर्मन आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो फिर काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बचा है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन, भाई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़िया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत सही है, लाइक इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर तो मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बसेस, ट्राम्स, एसबान, उबान, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सो यू कैन चूज़ एनी। एंड मतलब जैसे अब तो मेरे पास सेमेस्टर टिकट है तो वो लाइक यू पे टू योर यूनिवर्सिटी और वो उसी में तुम्हारा सारा ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होता है,
मेरी यूनिवर्सिटी पॉट्सडम में है, तो मेरे बर्लिन का जोन ए बी सी, आई कैन गो एनी वेयर विद माई सेमेस्टर टिकट. सो येस दैट्स परफेक्ट एक्चुअली. वाओ कितना अच्छा है ये गाइस. सॉरी मेरा कैमरा गंदा हो रखा था, आई डिडंट रियलाइज. सो येस आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट. और मुझे मतलब मैंने इन पास कुछ डेज में आई हैव मेड दाल, आई हैव मेड राइस, आई हैव मेड चीला, और मैंने बहुत कुछ बनाया है. बट लाइक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि यार मैं क्यों बना रही हूँ या क्या है, मैं क्यों कपड़े धो रही हूँ, मेरे कपड़े भी धोए. मतलब मैंने सारे काम कर लिए बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. बीइंग इंडियन यू नो हमें हर चीज़ घर पे दी जाती है, ये लो वी हैव मेड्स, वी हैव एवरीथिंग. सो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि ओ गॉड व्हाई आई हैव टू डू इट, आई डिडंट फील लाइक दैट. इनफैक्ट आई फेल्ट गुड डूइंग ऑल दोज थिंग्स. इट्स लाइक अच्छा है, सब बढ़िया है. आई डोंट फील कि इट्स अ टास्क, आई जस्ट लाइक डूइंग इट. एंड यू नो व्हेन वी आर लाइक, जब वो काम हो जाते हैं ना उसके बाद आई फील सो मच बेटर कि यार मैंने खुद सारे अपने काम निपटाए हैं. टाइम से बच चुके हैं. ओके गाइस बाय. लेटर दैट सेम इवनिंग. सो गाइस यस मैं हो रखी हूँ अभी रेडी, तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. एंड मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से घर गई, फटाफट से रेडी हुई और अब जा रही हूँ, वरना लेट हो जाएगा. तो द मेन पॉइंट वॉज आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है, बट लाइक आई जस्ट कवर एवरीथिंग. सो द पीपल आर नाइस, जितना मुझे अभी तक दिखे हैं द जर्मन्स, जितने मुझे दिखे हैं दे आर हेल्पफुल. मार्कस भी देख मेरे घर पे, हानस भी जर्मन है, मार्कस भी, दे ऑल गुड. यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, सब कुछ बहुत सही रहता है यहाँ पे. मतलब तुम्हें कहीं भी जाना है तो यू हैव अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी टू एवरीवेयर, बट तुम्हें वॉक तभी करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हें वॉकिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी. सो येस मुझे अभी और कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, बट आई वुड जस्ट से कि मेरा 10 डेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. द सिटी इज़ वेरी मच सेफ, मतलब बर्लिन मुझे तो अभी तक बहुत सेफ लगा है. इवन इफ़ आई एम आउट थोड़ा बहुत लेट तो बहुत, मतलब इट्स वेरी सेफ. जैसे दिल्ली में तुम्हें देखना पड़ता है ना कि ओ इज एनीबडी अराउंड, अपने फ़ोन्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है. इट्स एवरीथिंग इज सो सेफ, लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल विद योर ओन थिंग्स ऑब्वियसली, बट मतलब इट्स ऑल कूल हेयर यहाँ पे, इट्स वेरी गुड. तो इट्स सेफ इन द नाइट, सेफ इन द मॉर्निंग, सेफ फॉर वुमेन, एवरीथिंग. तो मुझे ये चीज़ बहुत दिल्ली में लगती थी कि मतलब अनसेफ रहता था, रात में कहीं अकेले नहीं जा सकते थे. तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ सेफ है, लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू बी केयरफुल, बट इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल सेफ. सो अभी मैं हूँ उबान में, अभी उतरी हूँ मैं ट्रेन से, बस अब मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ इन लोगों को. सो इस व्लॉग के लिए इतना ही, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल भाई, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़. I'll see you guys later. Take care. Bye-bye.